एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रियंका एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आज आपसे बात करने वाली हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें क्या करना चाहिए। हम सभी के लिए लॉकडाउन एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लॉकडाउन के ही जरिए हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और पूरे भारत को भी इससे बचा सकते हैं। लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी इसके नियम्स को पालन करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय में हमें अपने घर पर किस चीज को समझना है और किस चीज को नहीं समझना और किस तरीके से हमें क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम कहीं कितना भी घूम लें, कितना भी काम करें, किसी भी जगह से एक जगह दूसरी जगह चले जाएं और घूम कर काम कर हमें एंड में हम यही सोचते हैं कि कब जल्दी से घर जाएं, वहाँ पे रिलैक्स हो, क्योंकि हमें एक्चुअल में ऐसा फील इसलिए होता है क्योंकि घर ही हमारा सबसे ज़्यादा सेफ और रिलैक्स होता है। वहाँ पर हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं। इसीलिए लॉकडाउन के समय में भी सिर्फ यही है, हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को और अच्छे से समझना है कि अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, ठीक रहना चाहते हैं, इस पूरे भारत को कोरोना वायरस की जंग से जीतना चाहते हैं, जितवाना चाहते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए, हम सभी के लिए हमारा बेस्ट प्लेस सिर्फ हमारा घर है। बस हमें इस ड्यूरिंग लॉकडाउन में यही समझना है कि अगर हम अपने घर पे हैं तो हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम पूरा भारत हमारा स्वस्थ रहेगा और इस कोरोना वायरस से लड़ सकेगा। आपको घर में रहकर बस कुछ सिंपल से चीज़ों को ध्यान रखना है और उसको अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। समय समय अंतराल में हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, साथ ही साथ किसी जब भी कोई बाहर जाता है तो उसको मास्क दीजिए। वैसे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कितने ज़्यादा इनिशिएट्स कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो तभी आप लोग घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज घर से भी बाहर मत निकलिए। और हम इस कोरोना वायरस को एक दूसरे से देने से भी रोक सकते हैं कि दूसरे से नहीं फैलेगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात बहुत है कि हम अगर घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस से कोरोना वायरस हम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम जो भी प्रोडक्ट डेली रूटीन का जो भी प्रोडक्ट हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, हम बाहर से सामान जो खरीद रहे हैं डेली प्रोडक्ट्स में, हम दूध का पैकेट है, सब्जियां हैं, ग्रॉसरीज हैं और जितना भी फूड से रिलेटेड या कुछ और भी आइटम्स आप खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके थ्रू भी कोरोना वायरस हमारे घर में एंटर कर रहा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बाहर घर के बाहर से खरीद रहे हैं या ला रहे हैं तो सबसे पहले उसको वॉश ज़रूर करिए, उसको डिटर्जेंट या सर्फ से उसके पैकेट्स को वॉश कर ही आप उसको अपने किचन में रखिए, अप्लाई करिए उसको, लेकिन वॉश जरूर कर लीजिए क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन तो हम इस कोरोना वायरस को फैलाने से बचा लेंगे लेकिन हमारे घर में ये फिर भी एंटर करेगा बाहर के डेली प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेस आपका घर है, वहीं पर रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।